हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एक ऐसी कैटेगरी है जहां पे हर एक रिटेल इन्वेस्टर देखता जरूर है। एक ऐसी कैटेगरी है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहां पे काफ़ी अच्छे से ग्रो होती हुई आगे बढ़ रही है। इनफैक्ट एक ऐसी कैटेगरी है जो काफ़ी टाइम से मार्केट में ट्रेंडिंग चल रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट दी मीम कॉइन सेक्टर। मीम कॉइन सेक्टर के काफ़ी एडवांटेजेस हैं, बट उसी के साथ साथ हम लोगों को यहाँ पे ये पता होना चाहिए ये बहुत ज़्यादा रिस्की कैटेगरी जहाँ पे इन क्रिप्टोज का कोई यूज़ केस नहीं है। बट अगर हम रिटेल इन्वेस्टर से पूछें, वो यहाँ पे बोलता है कि हमें तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से मतलब है, वी हार्डली केयर कि कौन सा क्रिप्टो यहाँ पे क्या करता है। एंड यहाँ पे बात में दम भी नजर आता है। वंस यू आर एंटरिंग इनटू द क्रिप्टो करेंसी मार्केट, वेल मार्केट में वो रिस्क इन्वॉल्व रहता है फ्रॉम दी वेरी टॉप। बिटकॉइन को छोड़ के अगर हम यहाँ पे किसी भी ऑल्ट कॉइन के बारे में बात करें, मार्केट में वो रिस्क हमेशा रहेगा। कितना पैसा हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ना पर्टिकुलर कैटेगरी या इन दी क्रिप्टो करेंसी मार्केट, एंड क्या हमारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी। बट फिलहाल अगर हम लोग बात करें इस कैटेगरी की, आज के टाइम में मेनी पीपल आर बुलिश रिगार्डिंग दिस कैटेगरी, नॉट ओनली द रिटेल इन्वेस्टर। यहाँ पे अगर हम ब्लॉक चेन्स की बात करें, काफ़ी अलग अलग ब्लॉक चेन्स हैं जो अपने मीम कॉइन्स यहाँ पे सामने लेकर आ रही है। चाहे हम सुई की बात करें, सोलाना की बात करें, यहाँ पे हम लीनिया की बात करें, देर आर सेवरल ब्लॉक चेन्स जिनके ऊपर मीम टोकन्स ऑलरेडी बिल्ट हो चुके हैं एंड रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे फोमो इन करने लगे। मीम टोकन से ज़्यादा फोमो कोई क्रिएट नहीं कर सकता इन द क्रिप्टो करेंसी मार्केट, ये मेरा मानना है। आई हैव सीन द बुल सीजन ऑफ 2021 जहाँ पे शिबा डॉज कॉइन हर कोई परचेज कर रहा था। एट द टॉप लोगों ने शिबा को परचेज करा, एट द टॉप लोगों ने यहाँ पे डॉज कॉइन को परचेज करा। वो रिटेल इन्वेस्टर जो एकदम लास्ट मोमेंट में आते हैं इन द मार्केट, दे सी द प्राइस ऑफ दीज टोकन्स एंड वो फोमो इन कर जाते हैं। बट यहाँ पे थोड़े रियलिस्टिक आपके टारगेट होने चाहिए। मीम टोकन्स यस पोर्टफोलियो में होने चाहिए, बट उसी के साथ साथ आप डाइवर्सिफाई होने चाहिए। AI क्रिप्टोज, गेमिंग क्रिप्टोज, RWA क्रिप्टोज, प्रॉब्ली वो क्रिप्टोज जो आज के टाइम में मार्केट में पंप नहीं हुए, उनकी तरफ भी आपकी नज़रें होनी चाहिए। बट इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पांच ऐसे मीम कॉइन्स की जो हमारी वॉच लिस्ट में, इनमें से कुछ क्रिप्टोज हैं जिसमें हम लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, एंड यस कुछ ऐसे क्रिप्टोज हैं जिनको हमने वॉच लिस्ट में ज़रूर रख रखा है। कौन कौन से वो पांच मीम टोकन्स हैं इन दी क्रिप्टो करेंसी मार्केट, उसके बारे में बात करने के लिए चलेंगे कॉइन मार्केट कैप में। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं करा। दोनों चीज़ें आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, बट हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है एज सून एज यू डू दैट। मार्केट जो है वो एक्सट्रीम ग्रीड में है। द रिटेल इन्वेस्टर्स आर कमिंग एंड बिटकॉइन अपना एक नया ऑल टाइम हाई बना चुका है। मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ पे क्रिप्टोकरेंसी मार्केट को कवर कर चुका है। ये सारी चीज़ें आपने सुनी होगी हमसे, हमने हर बार बेयर मार्केट में यही डिस्कस करा था कि जैसे जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट को कवर करेगा, एक रिटेल इन्वेस्टर ज़रूर आके आपसे पूछेगा कौन सा ऐसा क्रिप्टो है जिसमें हम लोग इन्वेस्ट करें। एंड यस, अगर आपको मैं बताऊँ, आज भी मार्केट में देरी नहीं हुई है। मार्केट इज बाउंड टू गो अप एंड रिटेल इन्वेस्टर अभी भी मार्केट में एंटर कर रहे हैं एंड थोड़े टाइम के बाद भी मार्केट में एंटर करेंगे। ऑल्दो इतना ज़्यादा टाइम आप मार्केट में नहीं बचा है, हम यहाँ से बात कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स की। यहाँ पे हम लोगों ने बेयर मार्केट देखी 2 साल की, जहाँ पे हम लोगों ने एक्यूमुलेट करे काफ़ी क्रिप्टोज, वो टॉप नॉच क्रिप्टोज हमने परचेज करे। बट मार्केट में यहाँ पे हाइप क्रिएट हो रही है ऑफ मीम कॉइन्स। इनफैक्ट अगर हम लोग आज के टाइम की बात करें, इन दी मीम कॉइन सेक्टर देर आर ऑलमोस्ट 13 to 15 टोकन्स इन दी टॉप 100। एक टाइम जरूर था जहाँ पे खाली 2 ही टोकन जो है वो टॉप 100 में थे, दैट वॉज डॉज कॉइन एंड शिबा। इसके अलावा कोई भी टोकन यहाँ पे नहीं था। इनफैक्ट अगर हम टॉप 20 की बात करते हैं, देर आर 3 मीम टोकन, एंड ये काफ़ी कमेंडेबल बात है। नाउ लेट्स डाइव इनटू दी 5 मीम टोकन जिसको मैं अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ या हमने यहाँ पे परचेज कर रखे हैं। क्या चीज़ें कर रखी है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं ब्रेट की। द क्वेश्चन इज वाई ब्रेट, ब्रेट क्यों, क्यों हम ब्रेट को परचेज करें एट द करेंट लेवल्स, या हमने यहाँ पे ब्रेट को क्यों परचेज करा। द नंबर वन रीजन आई एम होल्डिंग ब्रेट, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ब्रेट मैं यहाँ पे होल्ड करता हुआ चल रहा हूँ बिकॉज ऑफ 2 मेन रीजन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं बेस इकोसिस्टम की, वहाँ पे सबसे बड़ा मीम टोकन है ब्रेट। इनफैक्ट अगर हम बेस इकोसिस्टम की बात करते हैं, वहाँ पे सबसे बड़ा टोकन इज ब्रेट, एंड उसी के साथ साथ बेस का खुद का टोकन मार्केट में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। दिस इज द फर्स्ट रीजन। व्हाट इज द सेकंड रीजन? सेकंड रीजन हमें मार्केट्स में जाके पता चलता है। जैसे हम यहाँ पे मार्केट्स में आते हैं, आप यहाँ पे काफ़ी एक्सचेंजेस जो हैं वो मिसिंग नज़र आते। मैक्सी फॉर सम रीज़न वो यहाँ पे बेस इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट को लिस्ट नहीं कर रहा है। चाहे हम यहाँ पे ब्रेट की बात करें, चाहे हम यहाँ पे एरोड्रोम की बात करें, मैक्सी में ये दोनों टोकन जो है वो लिस्टेड नहीं है। आई हैव नो आइडिया वो क्यों यहाँ पे लिस्ट नहीं कर रहा है बेस इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट्स को। बट उसी के साथ साथ ब्रेट में काफ़ी लोग मान के चलते हैं कि कॉइन बेस में ये लिस्ट हो सकता है, ऑब्वियसली बिकॉज बना है ऑन टॉप ऑफ बेस। बेस जो है वो कॉइन बेस का खुद का इकोसिस्टम है, एंड उसी के साथ साथ बायनांस। बायनांस यस, हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं
कि अपना राइवल ब्रांड का यहाँ पे टोकन क्यों लेस करेगा, कॉइन बेस का यहाँ पे लेयर टू है उसको क्यों लेस करेगा। वेल, बाइनांस को यहाँ पे फंड चाहिए, बाइनांस को यहाँ पे पैसे चाहिए। जितनी ज़्यादा बातें होंगी रिगार्डिंग ब्रेड, जितनी ज़्यादा इसकी कम्युनिटी ग्रो होगी, उतना ही ईजी होगा फॉर ब्रेड टू गेट लिस्टेड ऑन बाइनांस। एंड आई फर्मली बिलीव कि इस बुल सीजन में ब्रेड शुड लिस्ट ऑन बोथ दीज एक्सचेंजेस। एंड वट दैट मीन्स इज कि यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा आएगा एंड यहाँ पे एक प्राइस ग्रोथ हमें डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। वट विल हैपन इन द फ्यूचर वो तो टाइम ही बताएगा। बट यहाँ पे बात कर लेते हैं सेकेंड मीम टोकन की। यस, इस टोकन में मैंने फोमो में एंटर करा। लेट अस बी वेरी फ्रैंक अबाउट इट, मैंने यहाँ पे फोमो में एंटर करा। अब कब एंटर करा, दैट इज़ अ गुड क्वेश्चन। जब ये टॉप 100 के बाहर फॉल हुआ था परसों, वहाँ पर हम लोगों ने मॉक कॉइन को परचेज करा एंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड करा। क्यों ऐड करा? वेल, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जहाँ पे हम मार्केट्स की बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी एक्सचेंजेस हैं जो यहाँ पे मिसिंग है, बना है ऑन टॉप ऑफ इथीरियम। इथीरियम में वो रन अभी तक शो नहीं हुआ है, वो ब्लॉकचेन अभी तक उतना ज़्यादा मूव नहीं करा इन टर्म्स ऑफ प्राइस। इथीरियम जब भी यहाँ पे रन शो करेगा, आई एक्सपेक्ट शिबा टू पम्प एंड आई एक्सपेक्ट द इथीरियम इकोसिस्टम टू पम्प। यहाँ पे एक मीम टोकन ऐसा है जो टॉप 100 में बैठा है, बना है ऑन टॉप ऑफ इथीरियम। यहाँ पे इस मीम टोकन के बारे में जब आप पढ़ते हैं इन डिफरेंट सोशल मीडिया नेटवर्क्स, मेनी पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। एंड यस, मार्केट में जितनी हाइप यहाँ पे मीम टोकन को चाहिए होती है, एकदम करेक्ट हाइप यहाँ पे मॉग लेके चल रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट क्रिप्टो की बात करें, व्हाई डिड वी वांट टू परचेज पॉपकैट? पॉपकैट हमने परचेज नहीं करा, बट आई विश आई कुड परचेज पॉपकैट राइट नाउ। क्या रीज़न? डॉग टोकन्स हमारे पास पड़े, हमारे पास यहाँ पे अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ टोकन्स पड़े हैं, फ्रॉग। अब मीम टोकन्स में यही नाम होते हैं, जहाँ पे हम अब स्क्विरल देख रहे हैं, जहाँ पे हम डॉग देख रहे हैं, कैट देख रहे हैं। वेल, कैट मीम टोकन जो है हमारे पोर्टफोलियो में मिसिंग थे। एंड यहाँ पे सबसे ऊपर जो नाम आता है, दैट इज़ पॉपकैट। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, बना है ऑन टॉप ऑफ सोलाना। सोलाना मीम कॉइन्स को आप किसी भी लेवल में अवॉइड नहीं कर सकते हो। नो मैटर हाउ मच आई स्पीक अबाउट ब्रेड की वो बना है ऑन टॉप ऑफ बेस, सोलाना मीम कॉइन्स को आप इस बुल सीजन में अवॉइड नहीं कर पाओगे। सोलाना इफ इट रीचेस टू आर प्राइस प्रेडिक्शन ऑफ समवेयर अराउंड $500 to $700, यहाँ पे उसके मीम कॉइन्स काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। रिटेल इन्वेस्टर हैव बीन यूजिंग इट। यहाँ पे इथीरियम से ज़्यादा लोग देख रहे हैं कि सोलाना के ऊपर कौन से मीम कॉइन्स आते हैं, बिकॉज यहाँ पे गैस फीस कम लगती है। एंड उसी के साथ साथ सोलाना में कोई डाउन टाइम नहीं आया बहुत टाइम से। अ सरप्राइजिंग न्यूज़ फॉर मेनी, बट येस, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। सोलाना मीम कॉइन्स बहुत सारे मार्केट में बिल्ड हो रहे हैं। हर दिन हमें काफ़ी ऐसे मीम टोकन्स नज़र आते हैं जो हम परचेज करना चाहते हैं, बट वी स्टॉप, बिकॉज लोअर कैप मार्केट कैप में जब भी आप कोई मीम कॉइन परचेज करते हैं, यू आर रिस्किंग योर सेल्फ। मार्केट्स की यहाँ पे अगेन बात करें तो यस, यहाँ पे बाइनांस मिसिंग आता है, एक ऐसा नाम जो आपको काफ़ी मीम कॉइन्स में मिसिंग नज़र आएगा। बट उसी के साथ साथ बाइनांस इज लिस्टिंग मीम कॉइन्स, एंड ये चीज़ हमने देखी ऑफ लेटली। बाइनांस या कोई भी बड़ा एक्सचेंज, वो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेगा टू गेट दैट मोमेंटम, टू गेट दैट पार्ट ऑफ द कम्युनिटी जो सबसे ज़्यादा वोकल है, या उतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन फीस जो वो ले सकता है उस कम्युनिटी से। सो यस, बाइनांस इज ऑल्सो वॉचिंग द मीम कॉइन सेक्टर, एंड ये एक एडवांटेज जरूर है मीम कॉइन्स के पास। यहाँ पे अब हम लोग बात कर लेते हैं नॉट अबाउट अ फ्रॉग, बट यस, टर्बो की। टर्बो, वाई टर्बो? टर्बो हमारे पास क्यों है एंड क्या रीज़न है, कब हम लोग टर्बो को सेल करेंगे? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं। टर्बो को अगर आप देखते हो, इन लास्ट वन मंथ इट इज़ डाउन 21.31%। यहाँ पे अगर हम लास्ट वन ईयर की बात करें, इट इज़ अप 6,742%। क्या रीज़न था ये अपसाइड का? वेल, अचानक मार्केट में न्यूज़ आई कि AI बेस्ड मीम कॉइन्स भी अब आने लग गए। एंड एक्चुअली में अगर आज के टाइम में आप देखें, इन दी लास्ट वन मंथ, ये एक एक्चुअली में एक कैटेगरी बन चुकी है जहाँ पे AI बेस्ड मीम कॉइन जो है वो मार्केट में आ चुके। सो यस, थोड़ा सा शेयर उन्होंने टर्बो से ज़रूर लिया, बट टर्बो के पास यहाँ पे एक ही एडवांटेज है, बींग दी नंबर वन एंड दी फर्स्ट क्रिप्टो जो यहाँ पे AI बेस्ड मीम कॉइन है। नॉट दैट टर्बो यहाँ पे कुछ करता है नहीं, AI की हेल्प लेके ये मीम कॉइन बनाया गया। इट इज़ एज सिंपल। मीम कॉइन्स में ज़्यादा हमने रिसर्च नहीं करनी होती, काफ़ी सिंपल इसका प्रोसेस होता है, रिसर्च करने में उतने ही ज़्यादा सिंपल होते हैं। द नेक्स्ट रीज़न कि यहाँ पे टर्बो क्यों फॉल हो रहा है, क्योंकि ये बाइनांस में लिस्ट हो गया। अब आप लोग बोलेंगे कि बाइनांस में लिस्ट होने के बाद क्यों फॉल हुआ? वेल, मीम कॉइन्स में हमेशा एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, मेरा पर्सनली ये क्वेश्चन रहता है, व्हाट आफ्टर यू गेट लिस्टेड ऑन दी टियर वन एक्सचेंज? व्हाट आफ्टर यू गेट लिस्टेड ऑन ऑल दी एक्सचेंज जो मार्केट में अवेलेबल है, उसके बाद क्या? बिकॉज मीम कॉइन कोई नई चीज़ मार्केट में प्रोवाइड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम AVAX की बात करें, हम लोग वहाँ पर बात कर सकते हैं कितने गेमिंग टोकन उसमें बिल्ड हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम गेमिंग क्रिप्टो की बात करते हैं, हम यहाँ पर बात करते हैं कि वो गेम कितना सक्सेसफुल है, कितने लोग उसको प्ले कर रहे हैं। एंड सेम इज़ द केस विद दी AI क्रिप्टोज। AI क्रिप्टोज में वो पर्टिकुलर क्रिप्टो क्या कर रहा है, वो AI एजेंट कितना काम कर रहे हैं, कुछ और सपोर्ट वहाँ पर करता है नहीं है। यहाँ पर मीम कॉइन्स के साथ वो चीज़ नहीं,
यहाँ पे हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता है, व्हाट आफ्टर यू गेट लिस्टेड इन द बिगेस्ट एक्सचेंज इन दिस वर्ल्ड, उसके बाद क्या? करेंटली नॉट होल्डिंग मच ऑफ टोबो, बट यस मार्केट में ये रन कर सकता है, दैट इज व्हाट आई बिलीव। अगर यहाँ पे इसकी कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा वोकल होती है, ऑल्दो यहाँ पे अगर हम बात करें बाइनेंस के बाद यहाँ पे खाली कॉइन बेस रह जाता है टू लिस्ट दिस टोकन। विल दे डू इट, विल दे नॉट डू इट, वेल ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एंड ऑन टॉप ऑफ इट बना है ऑन टॉप ऑफ इथेरियम, जहाँ पे हम सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे गैस फीस सबसे ज़्यादा लगती है। कमिंग ऑन टू दी लास्ट एंड फाइनल टोकन जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, डॉग ऑन टॉप ऑफ रूल्स। लास्ट वन मंथ की बात करें तो बिल्कुल भी इसने परफॉर्म नहीं करा, इनफैक्ट लास्ट वन ईयर की बात करें तब भी इसने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, रादर इट इज़ डाउन 2.62%। वाई एम आई होल्डिंग डॉग ऑन टॉप ऑफ रूल्स? रूल्स ने यहाँ पे कोई मोमेंटम शो नहीं करा है, कोई ऐसी न्यूज़ निकल के सामने नहीं आ रही, कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, स्टिल आई एम होल्डिंग डॉग। अब उसके पीछे रीज़न क्या है, ये रीज़न आपने जानना। द ओनली रीज़न आई एम होल्डिंग डॉग बिकॉज ये बना है ऑन टॉप ऑफ रूल्स, दैट मीन्स बना है ऑन टॉप ऑफ बिटकॉइन, जहाँ पे हम सोलाना की बात करते हैं, जहाँ पे हम इथेरियम की बात करते हैं, इवैक्स की बात करते हैं, बाकी ब्लॉकचेन्स की बात करते हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी टोकन देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टॉन की बात करें, यहाँ पे रीडो हमारे सामने आता है, लीनिया की बात करें फॉक्सी हमारे सामने आता है, ऐसे बहुत सारे मीम टोकन्स हैं अलग अलग ब्लॉकचेन में। वी आर टॉकिंग अबाउट दी नंबर वन क्रिप्टो इन दी वर्ल्ड, बिटकॉइन। बिटकॉइन के ऊपर सबसे बड़ा मीम कॉइन कौन सा है, दैट इज डॉग। नाउ दिस डज नॉट गिव दी राइट फॉर एक्सचेंजेस टू लिस्ट दिस टोकन, ये भी चीज़ आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। बिटकॉइन के ऊपर बना है, दैट डज नॉट मीन कि इट हैज़ टू गो अप, यहाँ पे कोई और ऑप्शन इसके पास नहीं है, बट येस दैट इज़ वन फैक्टर जिसकी वजह से मैं यहाँ पे डॉग को होल्ड करता हुआ चल रहा हूँ। मार्केट्स की बात करें, डेफिनेटली बहुत सारे यहाँ पे एक्सचेंजेस हैं जो मिसिंग हैं, बट उसी के साथ साथ काफ़ी एक्सचेंजेस ने इसको लिस्ट भी करा है। द लाइक्स ऑफ बिटगेट, गेट डॉट आई ओ, बिंग एक्स, मैक्सी में ये ऑलरेडी लिस्टेड है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या बाइनांस यहाँ पे डॉग को लिस्ट करेगा ओनली बिकॉज कि ये बिटकॉइन के ऊपर बना? नोबडी नोज, बट अगर बाइनांस यहाँ पे डॉग को लिस्ट करता है, दैट इज अ ह्यूज विन फॉर दिस टोकन, एंड वहाँ पे हमें रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। सो यस, अगर पॉजिटिव साइड है अबाउट डॉग्स, तो यस नेगेटिव साइड भी है, एंड दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दैट इज़ वाई वी इंक्लूडेड डॉग इन दिस लिस्ट, एंड आपको ये क्लैरिटी जो है वो मिलनी चाहिए थी। सो दीज आर फाइव ऑफ दी मीम टोकन्स। अब यहाँ पे काफ़ी लोग बोलेंगे कि आप पीनट के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हो, देखो कितना फिनोमिनली ग्रो हुआ, एंड ये चीज़ आपने समझनी है। लास्ट 7 डेज में इट इज़ अप 1638%। मैं यहाँ पे चेज नहीं करना चाहता वो टोकन या वो क्रिप्टो जो इतना फिनोमिनली सडनली रन हुए, बिकॉज एक रन के बाद एक कूल ऑफ पीरियड भी होता। आप एंट्री बनाने की सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट वहाँ पे काफ़ी लोग ऑलरेडी एंट्री बना चुके हैं एट अ लोअर प्राइस, एंड दे आर प्लानिंग टू सेल दोज टोकन्स। वो टोकन्स किसको सेल करेंगे? आपको, जो उस टाइम में परचेज करेंगे, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद बूम। बूम आप लोगों ने सुना होगा, सडनली काफ़ी अच्छा पंप हुआ था, देन एक डिक्लाइन आया था। यहाँ पे क्या रीज़न था, जिन्होंने इनिशियल टाइम में यहाँ पे बूम में इन्वेस्ट करा था, दे सोल्ड ऑफ देयर क्रिप्टोज बिकॉज बाइनांस में लिस्ट हो गया था, काफ़ी एक्सचेंजेस में लिस्ट हो गया था, दे सोल्ड ऑफ, एंड काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इसने सडनली मार्केट में प्रोवाइड करे थे, बट काफ़ी लोगों ने वहाँ पे एंट्री बनाई हुई। नॉट सेइंग कि बूम यहाँ से ग्रो नहीं हो सकता, डेफिनेटली हो सकता है। मीम कॉइन सेक्टर है ही ऐसा सेक्टर जहाँ पे आपने कम्युनिटी देखनी पड़ती है, जहाँ पे आपने देखना पड़ता है कितने लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, या कौन से एक्सचेंज में अभी करेंटली मिसिंग है, ऑन कौन सा एक्सचेंज यहाँ पे इसको लिस्ट कर सकता है, उस एक्सचेंज में कितना वॉल्यूम है जो आ रहा है, एंड उसी के साथ साथ व्हाट आफ्टर दैट एक्सचेंज, द बिगेस्ट एक्सचेंज इन दिस वर्ल्ड, दैट लिस्ट दैट मीम टोकन, उसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट, इज द बिगेस्ट क्वेश्चन जो आपने पूछना पड़ेगा, एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू डिसाइड योर टारगेट फॉर दी क्रिप्टो जो आपने परचेज करे हुए, एंड यही चीज़ हम लोग करने वाले हैं। मीम टोकन में यहाँ पे ये अनसर्टेनिटी जरूर रहती है, विच नेक्स्ट मीम टोकन, क्या पता कोई ऐसा मीम टोकन जो आज के डेट में बना, कल क्या पता वो हमें टॉप 100 में देखने को मिले, टॉप 200 में देखने को मिले, एनीथिंग इज पॉसिबल इन द क्रिप्टोकरेंसी मार्केट, स्पेशली इन मीम कॉइन सेक्टर। मीम कॉइन सेक्टर में जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं, मैं हमेशा आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा संभल के इन्वेस्ट करें, लालच में आके, ग्रीड में आके, फोमो में आके, बिकॉज ये तीनों चीज़ें जो हैं वो सबसे ज़्यादा इसी कैटेगरी में आपको मिलेगी। यहाँ पे ये सब चीज़ें अगर आपके माइंड में हैं, देन यू वांट टू इन्वेस्ट इन द मीम टोकन, वेल माई सजेशन इज़ डोंट डू इट। यहाँ पे काफ़ी अलग कैटेगरी है जिसकी तरफ आप देख सकते हैं। मीम टोकन में इन्वेस्ट करना चाहिए, बट अ परसेंटेज ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड बी मीम टोकन, 10-15% सफिशियंट है। मोस्ट ऑफ योर मनी शुड बी इन दी टॉप क्रिप्टो, जहाँ पे हम लेयर वन की बात करते हैं, डेक्सिस की बात करते हैं, AI की बात करते हैं, गेमिंग की बात करते हैं, RWA की बात करते हैं, उनका नंबर भी आएगा। एंड द मोमेंट दैट हैपन्स, मीम कॉइन से लोग शिफ्ट होकर उनकी तरफ भागना स्टार्ट करेंगे।
सो यू वॉन्ट योर पोर्टफोलियो टू बी रेडी एंड नॉट चेजिंग द पंप जो मार्केट में दिखाई दे रहा है. एंड अगर आप लोग अभी से डाइवर्सिफाई नहीं करते हो, टेक इट एंड रिटर्न कि आप लोग मार्केट में फोमो करके बाकी क्रिप्टोज के पीछे भी भागेंगे. थिंक अबाउट इट. डू यू वॉन्ट टू रिस्क योर इंटायर अमाउंट इन मीम कॉइन्स, या आप लोग यहाँ पे अपना रिस्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो इन डिफरेंट कैटेगरी? वट एवर योर ओपिनियन इज, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा. विद दैट सेड गाइस, आज का वीडियो करते हैं पे एंड. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो. वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल. सी यू नेक्स्ट टाइम. ओके, बाय बाय.